भाई अगर दो उचके ग्रह आमने सामने तो क्या होगा। तो 80% स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि भाई ये तो राजयोग की जो इंटेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। लेकिन 20% ने लिखा कि ही विल बिकम पेनीलेस। वहां ऑप्शन थी कि इसके पास कुछ नहीं रहेगा या प्रॉब्लम में रहेगा, भिखारी बन जाएगा। हाँ, और वो एक्चुअली ऐसा हुआ। मतलब अगर मैं कहूँ कि वो आंसर करेक्ट था, उन्होंने पढ़वाया कि जब दो उचके ग्रह आमने सामने तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद आया अभी इस चार्ट पर कि 19 अप्रैल वाला चार्ट, तो मैंने कहा आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं ऐसा चार्ट देखा है आज के टाइम में। और अभी वो वृद्धाश्रम में अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये जो चार्ट है ना, अगर मान लीजिए ये कोई दूसरा लगन का होता, हाँ, ये रामचंद्र का जो चार्ट है, हाँ, तो शायद ये उतना प्रबल नहीं होता, क्योंकि तब गुरु दिग्बल में होता और मंगल तो दिग्बल में नहीं होता, ना तो उच्च का होता वो, ठीक है। तो ये जो समस्या है ये थोड़ी कम होती, डाइल्यूट हो जाती। हाँ, तब क्या होता, तब गुरु क्योंकि दिग्बल में है, हाँ, क्योंकि इस कुंडली में साइन वाइज दोनों इक्वली ताकतवर है, हाँ, दोनों राशि के अनुसार दोनों ताकतवर, लेकिन दिग्बल के अनुसार मंगल दिग्बल में नहीं है। बिल्कुल, गुरु का जो प्रभाव है फिर भी ज्यादा रहेगा इसमें। हाँ, और इसका अर्थ यह है कि जब रामचंद्र के पास दो ऑप्शन होगा कि मैं इसको मारू कि इसको छोड़ दू, तो वो छोड़ देंगे। ठीक हाँ, है, बिल्कुल। तो आप अब ये सेम चीज ना आप हिटलर के चार्ट में देखिएगा, वो वहां कैसे काम कर रहा है। वहां में उल्टा हो रहा है। और मैं जहाँ रहता हूँ सब जानते हैं उस जगह के बारे में ना, जर्मनी में हो तो बिल्कुल। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं इस केस में। तो ये तो खैर ये साधारण कुंडली है, तो हम नॉर्मल चीजों को यहाँ पे लागू नहीं कर सकते, बट ये जस्ट मैंने आपको दर्शाने के लिए ऐसे दिखाया। तो अभी नेक्स्ट मैं चार्ट निकालूंगा, जैसे जी ये चार्ट हो गया हमारे जो अक्षय कुमार है ना, उनका चार्ट है ये, बॉलीवुड के एक्टर बहुत फेमस। तो यहाँ पे भी देखिए इनका जो अक्षय कुमार किस चीज के वजह से जाने जाते हैं, वो एक्शन सुपरस्टार, एक्शन ना वो सुपर ना युद्ध मारपीट उस सब के वजह से जाने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मंगल है वो मां पुरुष योग में है, ठीक है, और अभी मंगल को रोकने वाला ग्रह कौन है, शनि और गुरु, वो दोनों केंद्र से बाहर है। अभी सवाल है कि शनि और गुरु क्यों रुके हैं मंगल को, क्योंकि शनि मंगल को उस गति से जाने नहीं देता है। ओके। और दूसरा बात यह है कि जब मंगल, क्योंकि देखिए मंगल जो है ना वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको ना, अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखना चाहता है वो, इंडिविजुअलिटी ना, तो लेकिन गुरु जो है वो बोलता है कि नहीं तुम अपने अलग से मत रहो, तुम सबके साथ रहो, क्योंकि गुरु जो है ना वो कुटुंब को दर्शाता है। जी जी। तो ये पीवीआर नरसिम्हा राव के चार्ट में हम जाएंगे तब हम दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मंगल को गुरु जब अपोज करता है केंद्र में रहके, तो आदमी को क्या होता है ना, जब आदमी को मंगल के साइड में जाने के लिए कुछ चीजें तोड़ने की जरूरत होती है, तो वो नहीं कर पाता है वो, क्योंकि गुरु बोलता है कि सामाजिक परंपराओं को मत तोड़ो, लाइन में चलो, सिस्टम में चलो ना। तो अब वो गुरु के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हाँ, लेकिन मंगल के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब मंगल केंद्र में है, क्योंकि केंद्र जो है वो बड़ा एक्टिव आपका जो लाइफ का पार्ट है, तो जब मंगल केंद्र में तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभार कुछ चीजें तोड़ना, तोड़ के कुछ नई चीजें बनाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब गुरु उसमें हो केंद्र में, तो वहां में उस एरिया में थोड़ा चैलेंज आ सकता है। तो ये आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पे कैसे होगा, आपको आधा लोग मिलेंगे बोलेंगे अरे भाई कर दो तोड़ दो, आधा लोग मिलेंगे अरे मत करो मत तोड़ो ये करो वो करो। सही बात है, सही बात है। और दोनों में से जो साइन वाइज ज्यादा ताकतवर है, या दोनों में से जो दिग्बली में है, आप उन्हीं की बात सुनोगे, ठीक है। तो यहाँ में देखिए कहते हैं कि त्रिकोण में जो ग्रह है ना वो सपोर्ट करते हैं, मतलब वो उनको उनकी मदद करते हैं ना। हा, 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 तो यहाँ पे शनि और गुरु जो दोनों एक तरफ से देखा जाए तो ये दोनों ही डिसिप्लिन दर्शाते हैं ना।
तो ये मंगल को ना वो डिसिप्लिन दे रहा है, और जिसके वजह से हम सब जानते हैं ना अभी भी वो कितने फिट है, जितना भी उनका उम्र हो गया ना अभी भी वो बहुत सारा चीजें करते रहते, तो मंगल के लिए बहुत हेल्प हो रहा है ये। तो यहाँ मैं पूछना चाह रहा था कि शनि, आपने बताया जैसे कि शनि मंगल के प्रभाव को कम करेगा अगर वो केंद्र में होता है, मतलब रोकने का कोशिश करता है वो। अच्छा, क्योंकि अच्छा। शनि बोलता है कि धीरे से चलो, मंगल बोलता है नहीं अभी चलो। अच्छा, तो अभी अभी क्या है, ये काइंड ऑफ ये हेल्प हो रहा है मंगल को, ये ओपोज नहीं कर रहा है। गुरु भी ओपोज नहीं कर रहा है, शनि भी ओपोज नहीं कर रहा है, इनफैक्ट दोनों हेल्प कर रहे हैं। तो इसके वजह से इनमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर शनि यहाँ केंद्र में आ जाता तो अभी भी ये मंगल के तरफ जाने का कोशिश करते, इनको नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आता रहता। ओके, उसके वजह से ना इनका जो ग्रोथ है बड़ा स्लो हो जाता, मतलब बहुत धीमी गति से उनका वो होता। अब हम वाजपेयी जी का चार्ट में देखेंगे वहां में उल्टा है, वहां मंगल है ही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो यहाँ में हम देख सकते। और सूर्य जो है वो भी अग्नि ग्रह है, तो वो भी यहाँ में मंगल को, मंगल की सहायता ही करेगा। और शुक्र तो यहाँ में दिग्बल के ऑपोजिट में, तो वो वैसे भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ खास नहीं फल देगा बिल्कुल। हाँ, ऊपर से वो राशि भी बैठा है ना, सिंह राशि में, शत्रु की राशि में, शत्रु के साथ है। हाँ, वो शत्रु के साथ है, और साइन का जो डिस्पोजिटर वो भी सूर्य। तो एक तरह से बोल सकते हो पूरा सूर्य जो है वो वीनस को कंट्रोल करके रखा है, एक तरफ से आप ऐसा बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ में शुक्र के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो मंगल को ऑपोज कर सके या सूर्य को ऑपोज कर सके। और सूर्य, सूर्य और शुक्र का भी ऑपोजिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना दूर का वो 28 डिग्री और डिग्री डिफरेंस कम ही रहता है, 45-28। तो सात घर तो दूर हो ही नहीं सकते कि एक चार में एक दसवें में होना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ में मंगल को कोई ऑपोजिशन नहीं है, बट डिसिप्लिन बहुत चाहिए, बिकॉज ये आपके जो शनि और गुरु इनके त्रिकोण में है, तो उसके वजह से वो डिसिप्लिन भी है इनके पास। लेकिन जब ये मंगल के साइड में जाएंगे ना, तो इनका रॉयल रोड होगा एकदम, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, मतलब एक के बाद एक। और इसी वजह से वो जाने जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है यहाँ पे। अभी देखिए, हाँ अभी एक दिग्बल में, लेकिन एक दूसरे महापुरुष योग में है ना, तो मंगल स्वराशि का है ना, तो इसके वजह से वो मंगल रिलेटेड चीजों के वजह से जाने जाते हैं शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हाँ। मैं दो तीन चीजें में हमारा संशय दूर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यूअर हाँ। होंगे वो शायद इस पर थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। हाँ। आपने जैसे कहा कि शुक्र जो है वो अगर बली होता, अगर वो स्ट्रांग होता, तो शायद मंगल के प्रभाव को रोकता वीनस, अगर वीनस स्ट्रांग हाँ। तो या कोई भी प्लैनेट जो होगा वो उसके प्रभाव को काउंटर करेगा, या देयर आर सर्टेन प्लैनेट जो कि जैसे मंगल के लिए ये दो नहीं होने चाहिए। जनरली मैं देखता हूँ जैसे सूर्य शनि अगर आमने सामने हो तो वो बहुत बड़ा समस्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ जैसा मंगल और शुक्र जो है उनका ऐसा कोई डायनेमिक्स है नहीं इन जनरल में। हाँ। लेकिन मंगल और शनि का बहुत ऑपोजिशन है, गुरु और मंगल का भी दोस्ती है, लेकिन कुछ चीजों पे वो उनका डिफरेंस है। करेक्ट करेक्ट। गुरु बोलता है कि ये ऐसे रहो, मंगल बोलता है नहीं तोड़ दो। तो गुरु और मंगल और शनि ये तीनों जब ऑपोजिशन में आए तब ऐसा हो सकता है, या चंद्रमा और शनि जब आए तभी भी ऐसा हो सकता है, सूर्य शनि आए ऑपोजिशन में तभी भी हो सकता है ना। तो उन केसेस में हमें देखना पड़ेगा किस ग्रह को हम कैसे ना उपाय करके कुछ उसको शांत करें, या कैसे इसके ताकत को कम करें, या हम ये कर सकते हैं जो ताकतवर है उसके ताकत को बढ़ा दो। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, किसी के ताकत को घटाने से अच्छा है कि जो सबसे ताकतवर है उसको और ताकतवर बना दो। तो यहाँ में देखिए, जैसा आपने पूछा अगर शुक्र चतुर्थ में होता तो ये कोई बहुत बड़ा ऑपोजिशन नहीं होता फिर भी। करेक्ट करेक्ट। लेकिन क्या होता, ये बार बार खींचते रहते कि ओ मुझे लग्जरी रिलेटेड कुछ चीजें करनी चाहिए जिंदगी में। हाँ, मुझे गारमेंट्स भी बेचना चाहिए ना, मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो इन वन वे वो फिर भी होता ऑपोजिशन, बिल्कुल इतना नहीं होता जितना अगर शनि होता, तो तब तो खेल ही अलग होता। लेकिन फिर भी वो ऑपोजिशन काम करता, 100% काम करेगा। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है जिन ग्रहों में जो उनके ट्रेट्स हैं अगर हाँ। वो मैच नहीं खाते हैं तो वो तो एक दूसरे को काउंटर करेंगे ही करेंगे बहुत बुरी तरह से। कुछ ऐसा है कि जहां पर ट्रेट अगर ऐसे नहीं भी है पर दोनों हाँ। केंद्र में बली है
तो भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट उस लेवल की नहीं जब वो आपके शत्रु होकर करते, या मतलब जो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट वाले होते तो करते। करेक्ट करेक्ट। तो ये केस में क्या होता कि इनका ना लाइफ में दो फोकस रहता। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, समझ रहे। लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर रहता? मंगल वाला, क्योंकि मंगल महापुरुष योग में है। ठीक है, तो उस केस में, और अगर मान लीजिए कि शुक्र चतुर्थ में होता और मंगल मान लीजिए दसवें में होता, तब दोनों मित्र राशि में होते तो तब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता, तब दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाते ना। बिल्कुल। हाँ, तो अब यहाँ में वैसा नहीं, तो यहाँ शुक्र अगर होता भी चतुर्थ में तो भी ऐसा होता कि ये जाने जाते कुछ और चीजों के लिए भी ना, मे बी इनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस होता, या ये घर में रहना बहुत पसंद करते शुक्र जो जिनका चतुर्थ में है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते। हाँ एग्जैक्टली। तो तब ये ऐसा होता कि इनका दो सेपरेट एंटिटी मेंटेन रहता लाइफ में, लेकिन नेसेसरीली ऐसा नहीं कि एक दूसरे को काट रहे, लेकिन फिर भी काटेंगे क्योंकि घंटा तो आपके पास 24 ही है ना। हाँ, तो 24 घंटे में से 12 घंटा घर में रहोगे, 12 घंटा आप जिम में रहोगे, तो जिम में तो आधा कट गया ना आपका। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। भी इन अ वे ऑपोजिशन ना बोल के, लेकिन आपका मंगल का वो टच तो, मतलब उसका शक्ति तो घटेगा ही, कुछ भी बोलिए आप। आपने एक शब्द में ही समझा दिया वो जो फोकस वाला पॉइंट आपने बोला कि लाइफ का अगर एक फोकस रहेगा तो ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, और लाइफ में अगर आप दो फोकस बना लोगे कि ये भी करूंगा और वो भी करूंगा तो वहां परेशानी आती है, वहां परेशानी आती है। और यहाँ में अगर शुक्र चतुर्थ में रहता तो भी मंगल ही जीतता, क्योंकि वो राशि वाइज ज्यादा स्ट्रांग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर दुर्भाग्यवश गुरु केंद्र में रहता तो सत्यानाश। लोग बोलेंगे अरे गुरु मंगल केंद्र में ना, ये योग वो योग ना, अरे कोई योग नहीं, बर्बादी होगा ऐसी ना। मैं आपको दिखाऊंगा पीवीआर नरसिम्हा राव के चार्ट में, वहां में क्लियरली देखेंगे आप ना। ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट चार्ट